हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं अनपेड इंजीनियरिंग का चैनल। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी से पूरे यूट्यूब कवरेज से, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चलिए बेस इन्वेस्टमेंट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले यूट्यूब के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली यूट्यूब की तरफ से सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जिसका चैनल मोनिटाइज हो चुका है उसको जो है एक ईमेल आया है। तो बेसिकली टैक्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं यूट्यूब की तरफ से। तो जिस भी यूट्यूबर को ये ईमेल आया वहां पर लिखा हुआ है कि इन्हें जून से पहले जो अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, वो भी गूगल एडसेंस पर। तो गाइस, एक्सेप्ट यूएसए अदर कंट्रीज के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको जो है अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगा। एंड अगर वो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं सबमिट करते हैं तो जितनी भी यूट्यूब से उनकी इनकम होती है उससे 24% यूट्यूब डिडक्ट कर लेगा एज अ टैक्स। मान लीजिए आपकी एक साल की इनकम 1 करोड़ रुपीज होती है, देन यूट्यूब इसमें से 24% डिडक्ट कर लेगा, मतलब कि 24 लाख रुपीज इसमें से यूट्यूब डिडक्ट कर लेगा एज अ टैक्स। एंड इसको और भी सिंपल तरीके से समझाओ तो मान लीजिए आपकी 1 मंथ की इनकम यूट्यूब से $1,000 आती है, देन यूट्यूब इसमें से 24% टैक्स डिडक्ट करके आपके $240 काट लेगा। और अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना होगा जितना कि आप यूएसए के व्यूअर से कमाए होंगे। मान लीजिए आपकी $1,000 इनकम है पर मंथ, एंड उसमें से $100 जो आपने यूएसए के व्यूअर से कमाए, विच मीन्स कि यूएसए के लोगों ने आपकी वीडियो देखी एंड आपके मर्चेंडाइज वगैरह खरीदे, देन उससे आपने $100 कमाए, तो आपको जो है सिर्फ $100 में से अपना टैक्स पे करना होगा। और अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते तो आपकी पूरी इनकम में से टैक्स डिडक्ट होगा, विच मीन्स 24% जितनी भी आपकी इनकम होगी। ऑल्सो इसी अपडेट के रिगार्डिंग यूट्यूब अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करे, जैसे कि आप देख सकते हो लाइक्स एंड डिसलाइक्स रेशियो, इट मींस कि बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, पैसे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस, जब कैरी मिनाटी कल अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने उनसे राउंड टू हेल के बारे में पूछा। तो चलिए देखते हैं कैरी मिनाटी इसके ऊपर क्या रिएक्ट करे। भाई, आपको राउंड टू हेल की वीडियोस कैसी लगती है? हेलो फ्रॉम कनाडा। सही है ब्रदर, सही है, काफी क्रेज है उनका। एक्चुअली में मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर तक ऐसे इतना पता नहीं था, बट काफी सही मतलब क्रेज के बारे में। वैसे मैं मिला हूं उनसे, कभी पार्टीज में भी मिला हूं। और हैव आई? नो नो, आई हैव नॉट। जिसको अगले हफ्ते तुम पोछा बना के इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जिसे तुम पहन नहीं रहे हो, बस रखा है तुम्हारे पास, वो नहीं चाहिए मुझे। सीन मुझे चाहिए, अगर मैं वो चीज दे रहा हूँ तुम्हें तो तुम पहनो, रियल लाइफ डेली यूज में पहनो। बहन चो ट्यूशन जा रहे हो तो पहनो, कॉलेज जा रहे हो तो पहनो, बट देखो मैं बता अभी वो स्थिति नहीं है मेरी, अभी वो सेटिंग नहीं है कि मैं वो चीज अगर करूंगा तो मेरे को पता है उसका पोछा बनना है। तुम मना कर रहे हो, ना ना ना, मैं जानता हूं बनेगा, तो वो चीज मुझे नहीं बनानी है। तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं सिर्फ ऐसे मर्च नहीं बनाऊंगा, मैं क्लोथिंग लाइन बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक मदर के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली एक मदर ने अपने 10 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया एंड अभी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तो जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उस बच्चे के माँ के फोन को चेक किया गया, तो उस फोन के यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में मिला कि कैसे किसी का मर्डर करें एक दुपट्टे से। एंड ये सब देखने के बाद में पुलिस को फुल्ली डाउट हो गया एंड पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एंड ये केस है फरीदाबाद का। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते। तो हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करी, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर वो बताया कि उनका एक न्यू वीडियो आने वाला है एंड वो एक कोलैब वीडियो होगा, जैसे कि आप देख सकते हो राजकुमार राव, जानवी कपूर एंड वरुण शर्मा के साथ। एंड ये वीडियो उनके मेन चैनल पर नहीं, कुरान छपरिया के चैनल पर अपलोड किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते। तो हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस, फ्लाइंग बीस्ट एक न्यू कार खरीदने का सोच रहे थे एंड इसी के रिगार्डिंग वो गूगल वगैरह पे सर्च कर रहे थे अपने बजट के अंदर कौन सी कार खरीदनी चाहिए। देन इसके बाद में जो उन्हें उनके फोन में सिर्फ कार्स के ऐड आने लगे। तो चलिए देखते हैं वो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करें। कार देखने गए थे एंड यू नो एप्स दे टेक परमिशन ऑफ योर कैमरा, योर माइक्रोफोन एंड यू फॉरगेट टू टर्न इट ऑफ एंड दे नो व्हाट यू डूइंग। इन लोगों को सारा पता चल गया हम कार देख रहे हैं। भाई साहब जिम से आओ अभी, थोड़ा चलो रिलैक्स करते, थोड़ा इंस्टाग्राम देखते हैं। मेरे को कार के एड्स आ रहे हैं भाई आज, बात यहाँ खत्म नहीं होती।
बात यहाँ खत्म होती है कि दे नो विच प्राइस रेंज आई एम लुकिंग एट, और उसी प्राइस रेंज की कार का मुझे ऐड आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एंग्री प्राश के बारे में। तो गाइज रिसेंटली एंग्री प्राश ने एक ट्वीट करके बताया कि वो जो है कुछ खास वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं अपने चैनल पर, एंड इसके रिगार्डिंग वो अपोलॉजी भी किए। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहे। फीलिंग गिल्टी अबाउट नॉट मेकिंग कंटेंट बट आई विल गेट माई माइंड बैक एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते। तो हम लोग बात करने वाले हैं अनुपम राजपूत के बारे में। तो गाइज रिसेंटली अनुपम राजपूत ने अपने चैनल पर एक अपोलॉजी वीडियो अपलोड करी थी, एंड उसी जस्टिफिकेशन से भरी अपोलॉजी वीडियो को जो है बी पॉय ने रिएक्ट करते हुए एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दी। तो चलिए उस वीडियो को छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बोलता है कि शेखर को हिलाना क्या रेप थ्रेट है? अरे भैया है, चलो रे। चलो बोतल हिला रहा हूं, बोतल तुम्हारे तरह नहीं हूं कि रील्स देख के ही हिला लूं। ये कहता है कि इंस्टाग्राम रील्स को जीबी रोड बताना क्या रेप थ्रेट है? बेटा रेप थ्रेट नहीं है माना, पर रेप थ्रेट ये है। ये रेप थ्रेट नहीं है तो और क्या बेटा? यही पटक के जोत देंगे। हाँ, और एक बात और बोलूं, जो तूने शेखर को हिलाया है और जो तूने जीबी रोड को कॉन्टेक्स्ट दिया है ना, वो कॉन्टेक्चुअल जो रिमार्क है वो सिंबोलिज्म है। किस चीज का पता है? स्लट शेमिंग का। तू उस लड़की को प्रोस्टिट्यूट बता रहा है और तू ये बता रहा है कि वो धंधा करती है इंस्टाग्राम पर रील्स बना के। दैट इज वॉट यू ट्राइंग टू टेल पीपल इनडायरेक्टली। तो ये रेप थ्रेट तो तूने दिया ही, पर तूने साथ साथ स्लट शेम किया। और ऐसे तेरे जैसे कितने लोग कमेंट्स में ऐसी लड़कियों को स्लट शेम करते हैं और तू उसको जस्टिफाई। सो यार दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।